आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। स्टूडेंट्स, सवाल हमें दिया गया है, 3 किलोग्राम तथा 5 किलोग्राम के दो पिंड विराम अवस्था में है, यदि इन पर समान बल लगाया जाए तो इनके द्वारा समान वेग प्राप्त करने में लगे समयों का अनुपात होगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या दिया गया है, एक 3 kg का ये मान लीजिए पिंड है, 3 kg, ठीक है, और ये कितना पिंड है, ये 5 kg का पिंड है। इस पे क्या करें, दोनों शुरू में क्या है, U1 बराबर 0 है, इसके लिए U2 बराबर 0 है, दोनों विराम अवस्था में, ठीक है। इन पर समान बल लगाएं, मान लीजिए दोनों पे बल मेरा F लग रहा है, ठीक है, F बल लग रहा है, तो दोनों में जब समान बल लगा रहे हैं हम लोग, तो क्या हो रहा है, ये इनके द्वारा समान वेग प्राप्त करने में लगा समय, मान लीजिए ये कुछ यहाँ चल, ये इसमें ऐसे चल रहा है, मान लीजिए ये यहाँ पे पहुँचा, जब इसका वेग मेरा v हो गया 3 kg का, ठीक है, और ये 5 kg है, इसका वेग यहाँ पे जाके v हुआ, मतलब दोनों समान वेग प्राप्त किया, इसको यहाँ से यहाँ जाने में समय कितना लगा t1 और इसको मान लीजिए t2, ठीक है, यहाँ से यहाँ जाने में t1 और इस यहाँ t1, इसको t2 समय में मिल गया, ठीक है, दोनों के लिए समय अलग अलग है। तो पूछा ये समय का अनुपात क्या होगा, ठीक है, जब दोनों समान वेग प्राप्त कर लेगा, बल देखिए समान लगा रहे हैं, ठीक है, तो F बराबर क्या होता है, न्यूटन गति के दूसरे नियम से F बराबर m है, तो इसके लिए F नियत है, मतलब F दोनों के लिए समान है, ठीक है। तो देखिए T क्या होता है, T बराबर होता है V बटा A, कहाँ से आया ये, V बराबर U जोड़ AT होता है, ठीक है, U मेरा शून्य है प्रारंभ में, गति का नियम है ये, तो यहाँ से T मेरा कितना आ जाएगा, V बटा A, ठीक है। तो अब देखिए दोनों के लिए T1 बटा T2 है, V तो मेरा नियत है दोनों के लिए, ठीक है, दोनों के लिए भी नियत है, इसके लिए मान लीजिए यहाँ पे त्वरण मेरा A1 होगा, यहाँ पे त्वरण मेरा A2 होगा, ठीक है, भी मेरा नियत है, तो यहाँ से सीधा क्या पता चल रहा, टी जो है मेरा त्वरण के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं T1 बटा T2 बराबर A2 बटा A1 हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, ये जरूर लिख सकते हैं। अब देखिए A2 A1 को कैसे हम लोग बदल सकते हैं, F बराबर MA होता है, ठीक है, तो पहले हम लोग पहले के लिए लिख लेते हैं F बराबर M1 A1 और दूसरे के लिए F बराबर M2 A2, ठीक है, अब ये दोनों बराबर है, यानी M1 A1 बराबर M2 A2 होगा, ठीक है, तो यहाँ से A2 बटा A1 हमको कितना मिल गया, A2 बटा A1 हो जाएगा मेरा M1 बटा M2 के बराबर, ठीक है, A2 बटा M1 M1 बटा M2 के बराबर हुआ, तो यहाँ से हम लोग A2 बटा A1 की जगह M1 बटा M2 लिख सकते हैं, तो ये T1 बटा T2 कितना हो गया, M1 बटा M2 के बराबर। अब M1 M2 हमको पता है, ठीक है, M1 कितना है, M1 है मेरा 3 kg और M2 कितना है मेरा 5 kg, तो T1 और T2 का अनुपात कितना हो गया, 3:5, तो यहाँ से देखिए T1 अनुपात T2 कितना हो गया, 3:5, यही हो गया हमारा आंसर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देखिए लास्ट ऑप्शन है मेरा 3:5 है, ठीक है, तो ऑप्शन डी मेरा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।